बीते दिनों भारत और नेपाल के बीच नक्शे को लेकर तनाव जारी था, जिसके बाद अब नेपाल ने अपनी भूल सुधार ली है। भारत के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाने के बाद आज नेपाल की तरफ से जारी किए गए नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन नेपाल सरकार ने ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्रवाई को हटा दिया। दरअसल नेपाल के सत्ता पक्ष और प्रतिपक्षी दल दोनों की आपसी सहमति से ही संविधान संशोधन विधेयक को फिलहाल संसद की कार्यसूची से हटाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक की। बताया जा रहा है कि सभी दल के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत कर किसी भी मसले को सुलझाने का सुझाव दिया था, जिस पर अब भारत से बातचीत कर मामला सुलझाने के लिए ये कदम उठाया गया है। बता दें कि बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से नेपाल से बातचीत के लिए माहौल बनाने की मांग की गई थी, जिस पर नेपाल ने नए नक्शे को संसद में पेश नहीं कर कूटनीतिक रूप से परिपक्वता का उदाहरण दिया। दरअसल 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद नेपाल सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी कर उसमें भारत के कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को भी शामिल किया था। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.